एक्सरसाइज 30 का हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हमें डेसिमल बनाना है इस तरह का। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने एक्सरसाइज 30 लिख लिया, डेट लगा लीजिए आज की, क्लास वर्क लिख लीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ओके 1/5। इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए आप यहीं एक लाइन खींच लीजिए और यहीं पे रफ कॉलम बना लीजिए, ठीक है। और हमें डिवाइड करना है तो 5 से 1 को डिवाइड करना है। अब आप कहोगे 1 तो हमारा छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, कैसे डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। 0 हमने सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि हमें यहाँ डेसिमल क्लियर दिखेगा, इसलिए हमने 0 लगा दिया है। हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया, डेसिमल का यहाँ हमें 1 0 मिला, इस 0 का 0 नहीं मिला है, हमें डेसिमल का 0 मिला है, इस बात को ध्यान रखना, ओके। एंड 5 2 10, तो हमारा क्या आंसर आया, 0.2। सेकंड आप लोग कर लेना, सेकंड और थर्ड आपका सेम है, नॉर्मल है। फोर्थ में आपको बता देती हूँ कि फोर्थ में आपका मिक्स फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2/5 इक्वल टू, पहले इसको हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर बनाना है। इम्प्रॉपर के लिए क्या करेंगे, 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, 7/5, 5 बन जाए 5 प्लस 2। अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, देखो पहले वाले में हमने 0 लगाया था, लेकिन यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा 1 टाइम में ये डिवाइड हो रहा है, ओके। अब हमारा 2 डिवाइड नहीं होगा तो हम एक डेसिमल लगाएंगे जिसका कि 1 0 हमें यहाँ मिल जाएगा, 5 4 जा 20, तो हमारा क्या आंसर आया, 1.4 इज द आंसर। इसमें आपके 12 क्वेश्चन है और ये होपफुली आप लोग सारा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये आप क्लास में करेंगे कंप्लीट, 11 o'clock तक मुझे ये प्लग तक करके दीजिए, ठीक है।